हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये आपके टेक्स्ट बुक का तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर से 5 मार्क के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे? 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड चैप्टर इसलिए हो गया है क्योंकि जो हमने सॉल्यूशन पढ़ाया था वो आपका सॉल्यूशन कौन था, सेकंड चैप्टर हो गया, क्योंकि जो पिछले सीजन में था आपका चैप्टर उसमें सॉलिड स्टेट काट दिया था, बट इन्होंने इस साल उस सॉलिड स्टेट को फिर ऐड कर दिया। तो फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है, सेकेंड सॉल्यूशन है, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो आप बेटा सॉलिड स्टेट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो हिसाब से आपका ये थर्ड चैप्टर हो जाता है, ठीक है। बाकी जो सॉलिड स्टेट है ये हम बेटा आपको उसमें फेस टू फेस पढ़ाएंगे जब आपका ठीक तरीके से क्लास चलने लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल है, आप लोग पढ़े नहीं हैं, बिना जो है आमने सामने वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो तब तक बेटा उसको छोड़ देते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटा 5 मार्क के क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो आपका केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये आपके केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, ठीक है ना। और इस ब्रांच में क्या होता है, हम लोग केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस, ये केमिकल चेंज के बारे में आपको स्टडी कराएगा। और ये तब प्रोसेस होता है जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्लो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, सो पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का ब्रांच है और इस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। और ये स्टडी तब होती है जब आप अपने जो सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस विच अकर्स ऑन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंटू अ केमिकल सिस्टम, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया। देन अब बात करते हैं कंडक्टर की, कंडक्टर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स आप सुने होंगे, क्लास 6-7 से ही पढ़ रहे होंगे कंडक्टर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर्स आपके ऐसे सब्सटेंस हैं जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्लो होती है, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये हो गया, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है, ये हो गया। मतलब कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं मेटल्स हो गए आपके, एंड मोल्टन NaCl,
और भी मेटल्स मतलब क्या होते हैं, जितने भी आपके मेटल्स हैं सब मेटल्स में आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए आयरन, ले लीजिए कॉपर, ले लीजिए, ये सब क्या हो जाते हैं, सब में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। मॉल्टेन NaCl ले लीजिए, मतलब मॉल्टेन मतलब क्या होता है, अगर NaCl सॉलिड स्टेट में है ठीक है ना, तो आप इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये क्रिस्टल में रहता है ठीक है ना, तो हम इसीलिए मॉल्टन मतलब गलित अवस्था में, या यूँ कहिए गले हुए अवस्था में आपका ये सप्लाई हो जाएगा। तो सॉलिड नहीं रहना चाहिए, मॉल्टन रहना चाहिए। ये हो गया आपका कंडक्टर्स। अब देखिए हमारा कंडक्टर जो है टू टाइप में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर्स के टाइप में देखिए कितने टाइप में होते हैं, कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ठीक है ना, मेनली टू टाइप्स के कंडक्टर्स आपके होंगे। पहला होता है मेटैलिक कंडक्टर, आप देखते हैं कि मेटैलिक कंडक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट्स। तो जो मेटैलिक कंडक्टर होता है इसमें क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जिसमें क्या होती है करंट की सप्लाई जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है ठीक है ना। तो मेटैलिक कंडक्टर्स में ऐसे सब्सटेंसेस आपके आते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, करंट कंडक्ट कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है ठीक है ना। सो व्हाट इज मेटेलिक कंडक्टर, वी कैन से दैट मेटेलिक कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट ड्यू टू दी मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स ठीक है। अब देखते हैं जो मेटेलिक कंडक्टर होता है इसमें क्या होता है, हमने लिखा है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के मूवमेंट के थ्रू क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसका आप एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल मैं आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा हो जाएगा, जितने भी मेटल्स होते हैं सभी आपके मेटैलिक कंडक्टर्स होते हैं, और जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है ये बात हो गया। तो बेटा ये मेटैलिक कंडक्टर्स आपका फिनिश हो गया। देन देखिए सेकंड पॉइंट आपका आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर्स आप जान ही रहे होंगे, अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर थोड़ा नया है तो इसको जानते हैं ये क्या होता है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में बेटा ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिसमें आपके ऐसे सब्सटेंस आएंगे जिससे क्या होता है, जिसमें तो इलेक्ट्रिक करंट आपका सप्लाई होगा ठीक है ना। इसमें आप लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई है आपकी। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट, चाहे इलेक्ट्रिसिटी लिख लीजिए या करंट लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ हो गए हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट की सप्लाई तो होगी, बट ये सप्लाई किसमें होगी, जो आपका सब्सटेंस है वो मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में होना चाहिए ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक क्या हो गया आपका,
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या बताएंगे आप, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट आइदर इन दियर मॉल्टन स्टेट और इन दियर एक्वस सॉल्यूशन नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है ना, तो अब सीधा सीधा आप ये बात जाने रहिएगा बेटा कि जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा इसमें हमारा जो सब्सटेंस है ये सब्सटेंस मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट या सॉल्यूशन में रहना चाहिए। ठीक है ना, अब आगे देखिए क्या होता है, इसमें भी जो इलेक्ट्रिक इसमें भी जो आपका कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी वो किसके थ्रू होता है, यहाँ हमने क्या लिखा था ऊपर वाले में हमने बताया था कि करंट जो था वो मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू था, यहाँ भी आपका मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होता है, मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री आयन, इसमें फ्री आयन के थ्रू होता है। ठीक है ना, और जब फ्री आयन के थ्रू होता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आपको समझ में आ गया होगा, तो इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस कंडक्टर में ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगा, बट ये तब फ्लो होगा जब आपका मटेरियल मॉल्टन स्टेट में रहे या एक्वस सॉल्यूशन में रहे, और इसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो फ्री आयन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए ऐसे आयनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब जैसे अच्छा कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होती है। ठीक है ना, कुछ मटेरियल्स या सब्सटेंस ऐसे भी होंगे जिनके मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, नो इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई नहीं होती, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे यार। ठीक है, ये बात हो गया, तो हमारा क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या बता दिया आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस विच अकर्स ऑन पॉपिंग द इलेक्ट्रिक करंट इनटू अ केमिकल सिस्टम। फिर हमने कंडक्टर बताया, कंडक्टर में क्या हो गया, कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टर, लाइक मेटल्स मॉल्टन NaCl ये सब। फिर हमने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर कितने टाइप हमने बताया आपको, टू टाइप बताए हैं, एक मेटेलिक हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक हो गया। तो मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें करंट की सप्लाई तो होती है बट ये सप्लाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं, और सारे मेटल इसी में आते हैं। देन आपका आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या आएंगे बेटा, इसमें भी तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो होगा बट इसमें जो सब्सटेंसेज हैं आपके वो सब्सटेंसेज या तो मोल्टन स्टेट में रहने चाहिए या एक्वस स्टेट या कहिए एक्वस सॉल्यूशन में रहना चाहिए, हम एक्वस स्टेट कहें और एक्वस सॉल्यूशन कहें, दोनों ही कंडीशन में काम होगा। तो आप कह सकते हैं दी सब्सटेंसेज विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है, किसका मूवमेंट होता है, फ्री आयन्स का। ठीक है ना, सो इन द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स करंट फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयन, सो इट इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टर। अब देखिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनके मॉल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन से कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होती है, इसे हम क्या कहेंगे,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। सो आप कह सकते हैं कि दिस सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट इन देयर मॉडर्न स्टेट आर एक्वस सॉल्यूशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, ये हो गया बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।